फाइनली वी हैव रीच्ड गोल्डन टेम्पल। हाय फ्रेंड्स, अब बज रहे हैं दोपहर की एक। हमने 10 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया था और अब हम जा रहे हैं वेल्लूर। वेल्लूर यहाँ से 109 किलोमीटर है। हमें 2 आवर्स लगेंगे। माता लक्ष्मी का दर्शन करेंगे और फिर रिटर्न आएंगे तिरुपति। तो चलो देखते हैं हमारी जर्नी कैसे होगी। हाय, यहाँ पे हूँ मैं। हेलो। विप्रा के पापा गाड़ी चला रहे हैं। हाय। यहाँ पे विप्रा, वहाँ पे है कुआजी, यहाँ पे अज्जी, यहाँ पे अज्जा। पूरी फैमिली जा रही है वेल्लोर श्री महालक्ष्मी के दर्शन करने। वो पहाड़ तो देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। विप्रा उसको बोले कि टकला डूंगर। बाहर का टेम्परेचर 37 डिग्री है, बट हम लोग कार में एसी में बैठे तो हम लोगों को ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। रोड देखो, रोड कितना मस्त रोड है यार। इस रोड के बारे में आपको विक्की बताएंगी। रिसेंटली बना हुआ 6-lane हाईवे, ये NH-140 है। इट स्टार्ट्स एट चित्तूर एंड टर्मिनेट्स एट सी मल्लावरम नियर तिरुपति। इसकी अप्रोक्सीमेट लेन 61 किलोमीटर है। अभी हमने हाईवे छोड़ दिया है, सिंगल लेन रोड स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, रोड भी ठीक ठाक है। सिर्फ 26 किलोमीटर हमें इस रोड पे जाना है। वेलकम टू तमिलनाडु। एक्चुअली हमने इस ट्रिप में 5 स्टेट्स किए। पहला स्टेट था कर्नाटक, दूसरा स्टेट था तेलंगाना, तीसरा आंध्र प्रदेश, फोर्थ ओडिशा एंड अभी फिफ्थ तमिलनाडु। वेलकम टू तमिलनाडु विप्रा। थैंक यू। वेल्लूर इज जस्ट 7 किलोमीटर फ्रॉम हियर। हम वेल्लूर पहुंच गए हैं। यहाँ पे काफी ट्रैफिक है। मंदिर यहाँ से 9 किलोमीटर है। वेल्लूर पलार रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। वेल्लूर बेसिकली फेमस है फॉर क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, देन वेल्लूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, जहाँ पे हम आज विजिट करने वाले हैं। यहाँ से मंदिर 5 किलोमीटर है। 2021 में हम लोगों ने साउथ इंडिया ट्रिप किया था, तब जाते वक्त हम लोगों को वेल्लूर का बोर्ड दिखा था, जो कुछ 20 किलोमीटर था हमारा जो प्लान रूट था उससे। तब टाइम हम लोगों ने माता से बोला था, जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो डेफिनेटली वेल्लूर में आ जाएंगे और आपके दर्शन करेंगे। और आज वो दिन आ गया, हम लोग जा रहे हैं माता के दर्शन करने। फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। गोल्डन टेम्पल में एंट्री करने के बाद हम लोगों ने कार पार्क की, वहाँ पे शू कीपिंग काउंटर था, वहाँ पे जूते निकाले, मोबाइल रख दिया, टिकट निकाला एंड 3 बजे हम लोगों ने मंदिर के अंदर एंट्री की। मंदिर में दर्शन करने के लिए जो टाइमिंग्स है मैंने यहाँ पे देके रखे हुए है। मंदिर में दर्शन वैसे तो फ्री है, लेकिन आपको दिव्य दर्शन लेना है तो 100 रुपीज पर पर्सन देने पड़ेंगे। गोल्डन टेम्पल ये लक्ष्मी नारायणी का मंदिर है, जो 100 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर में एंट्री करने के बाद हम भगवान गणेश जी का दर्शन करते हैं। उसके बाद हमें स्टार शेप वाला जो पाथ है वो फॉलो करके माता लक्ष्मी नारायणी के गर्भगृह तक जाना पड़ता है। ये स्टार शेप वाला जो पाथ है, ऐसा कहा जाता है कि ये पाथ पवित्र श्री चक्र के समान पृथ्वी पर एक दिव्य ऊर्जा के रूप में बनाया गया है। ये स्टार शेप वाला पाथ अप्रोक्सीमेटली 1.8 किलोमीटर का है। इस पाथ में स्पिरिचुअल मैसेज लिखे हुए हैं। चलते चलते ये स्पिरिचुअल मैसेज पढ़ते पढ़ते हम लोग कब मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। गोल्ड से बना हुआ ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। उसके ऊपर जो डिजाइन बनी हुई है उसका रेफरेंस वेदों से है। मंदिर में एंट्री करने के बाद सामने बड़ी सी बहुत ही सुंदर माता श्री लक्ष्मी नारायणी की मूर्ति देख के हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया। यहाँ पे श्री महालक्ष्मी की 70 kg की गोल्ड की मूर्ति है। हम लोगों ने दिव्य दर्शन का टिकट लिया था, इसलिए इस मूर्ति का हमने अभिषेकम किया। वी फील ब्लेस्ड आफ्टर टेकिंग दर्शन ऑफ महालक्ष्मी। और हम लोगों ने हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट की। हम लोग तो लंच करके निकले थे, लेकिन अभी आया टाइम स्कॉर्पियो का लंच करने का। हम लोग वेल्लूर आने के लिए होटल से निकले तो वहाँ पे पेट्रोल पंप था। हम लोगों का टैंक फुल करने का इरादा था, पर बाद में ध्यान में आया वेल्लूर में जा रहे हैं,
पड़ता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में आंध्रा से पेट्रोल 3 रुपए से सस्ता है, इसलिए हम लोगों ने टैंक फुल नहीं किया। अभी हम वेल्लोर में पेट्रोल फिल कर रहे हैं, रेट है 102.21, वेयर एज इन तिरुपति 105.91। ये समझदारी ट्रैवलिंग में दिखानी पड़ती है। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। अभी हम लोग जा रहे हैं तिरुचन्नूर, पद्मावती अम्मा का दर्शन लेने। तिरुचन्नूर यहाँ से 110 किलोमीटर है, उसके लिए गूगल बता रहा है 2 एंड हाफ आवर लगेगा। वेल्लूर फोर्ट ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, इस टाइम हम लोग ये कवर नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू विजिट दैट प्लेस। वेल्लूर में हम ट्रैफिक में बुरे फंस गए थे, उस टाइम पे मैंने वीडियो शूटिंग नहीं किया था तो वो क्लिप्स मेरे पास नहीं है। तिरुपति इज जस्ट 92 किलोमीटर, बाय बाय तमिलनाडु। वापस आते वक्त हमें एक पैच मिला जो काफ़ी ख़राब था, वहाँ पे रोड अंडर कंस्ट्रक्शन थी इसलिए रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ जर्नी, मैनेज तो करना पड़ता है ना। अभी बज रहा है 6:45, हम लोग चित्तूर के पास है। कलर देखो आसमान में, कलर कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, वाओ। हमने फिर से NH 140 कैच किया। अभी बज रहे 7:30, हम पद्मावती माँ के यहाँ पे पद्मावती अम्मावरी टेम्पल पे पहुँच गए हैं। हाँ, जैसे गूगल ने बताया था 2 आवर्स लगेंगे, उतना ही टाइम हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए लगा है। अभी हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैंने साउथ इंडिया ट्रिप में पद्मावती अम्मावरी के दर्शन का वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा मैंने आई बटन यहाँ पे प्रोवाइड किया है, तो ये फिर से इस वीडियो में कवर नहीं किया जाएगा। हम दर्शन करके आ गए हैं, अभी बज रहे 8:30, हमें दर्शन के लिए 45 मिनट्स लगे, बाद में लड्डू कलेक्शन एंड ऑल ये करके हमें आने तक बज गए 8:30। अभी हम जा रहे हैं होटल। आज हमारा दिन बहुत ही हेक्टिक था, हम गोल्डन टेंपल वेल्लूर को गए, फिर तिरुचन्नूर श्री पद्मावती अम्मावरी के दर्शन लिए, फिर रूम पे आए, हमने डिनर किया, अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। देखो मेरा चेहरा कितना टायर्ड दिख रहा है, तो चलो गुड नाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।